नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आजाद भारत के इतिहास में आपने शायद ऐसा पहली बार देखा होगा कि देश का प्रधानमंत्री जब मंच पर बैठा हुआ हो और उसके बाद में एक राज्य का मुख्यमंत्री भाषण छोड़कर के चला जाए, ऐसा आजाद भारत में आपने शायद पहली बार देखा होगा। लेकिन कोलकाता के अंदर पश्चिम बंगाल में ऐसा ही हुआ। ममता बनर्जी ने आज नरेंद्र मोदी के सामने भाषण देने से मना कर दिया, बायकॉट कर दिया नरेंद्र मोदी जी के प्रोग्राम को। क्यों ऐसे हालात जो है वो उत्पन्न हुए, ये जानना बेहद दिलचस्प है। हुआ यूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में पहुंचे थे और कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती थी और इसी को लेकर के कोलकाता के अंदर एक सरकारी कार्यक्रम था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे और इसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पहुंची। लेकिन जैसे ही ममता बनर्जी की बोलने की बारी आई, वैसे ही सामने बैठी भीड़ या यूं कहें कि बीजेपी के समर्थकों ने वहां पर जय श्री राम के नारे जो है वो लगाने शुरू कर दिए और इसके बाद में ममता बनर्जी ने उनको फटकार लगाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने। और ममता बनर्जी ने उनको फटकार लगाते हुए कहा कि ये आपकी कोई रैली नहीं है, ये एक राज्य का सरकारी कार्यक्रम है और इसकी एक मर्यादा होती है और वो मर्यादा आपको बनाए रखनी चाहिए और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, ये मर्यादा बना करके नहीं रख सकते हैं, तो माफ कीजिएगा, मैं इस कार्यक्रम में नहीं बोल रही हूं, मैं इस कार्यक्रम को छोड़ करके जा रही हूं। ये ममता बनर्जी ने कहा और उसके बाद में छोड़ करके चली गई। द क्विंट की एक खबर आप देखिए, नेताजी पर मोदी के कार्यक्रम में जय श्री राम के नारे, चली गई ममता बनर्जी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर उनकी विरासत को लेकर के राजनीतिक घमासान मचा हुआ है और इसी बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो कोलकाता पहुंचे थे। जब कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में नेताजी के सामने आयोजित किए गए कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री टीएमसी नेता ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी के साथ में एक ही मंच पर दिखी, मगर इस कार्यक्रम में ममता बनर्जी के बोलने की बारी आई तो जय श्री राम के नारे लगने लगे और उसके बाद में ममता बनर्जी ने क्या कहा वो वीडियो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए कि क्या कहा। इसके बाद में ममता ने कहा कि मुझे लगता है कि सरकार के कार्यक्रम की, ध्यान से सुनिएगा इसको और उसके बाद में देखिएगा भी, मुझे लगता है कि सरकार के कार्यक्रम की कोई मर्यादा होनी चाहिए, यह सरकार का कार्यक्रम है, किसी राजनीतिक दल का प्रोग्राम नहीं है। मैं प्रधानमंत्री जी और सांस्कृतिक मंत्रालय की आभारी हूं कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम रखा, लेकिन किसी को भी आमंत्रित करके उसका अपमान करना शोभा नहीं देता है, मैं कुछ भी नहीं कहूंगी, जय हिंद जय बंगला। और ये कह करके ममता बनर्जी ने उस कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया और बोलने से मना कर दिया। आप खुद भी देखिए। अब हम स्वागत करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मंच पर। आप लोग जरा सा शांत हो जाएं, आप लोग जरा शांत हो जाएं और इस पावन अवसर पर श्रीमती ममता बनर्जी को मौका दीजिए कुछ शब्द कहने का। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और गवर्नमेंट का पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूं प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना, ये आपको शोभा नहीं देता। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग, जय हिंद जय बांग्ला। ममता बनर्जी की अपनी एक स्टाइल है और ममता बनर्जी ने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और बीजेपी के समर्थकों को और नेताओं को वहां पर जो संदेश दिया है वो उन्हें कई सालों तक याद रहने वाला है कि किस तरह से आप अगर ये सोच रहे हैं कि ममता बनर्जी को हम परेशान करेंगे और ममता बनर्जी जो है उसको चुपचाप उसको सहन कर लेगी, तो ऐसा होने वाला नहीं है। ममता बनर्जी कड़ा पलटवार करती है और चाहे सामने प्रधानमंत्री क्यों ना बैठे हो, प्रधानमंत्री मंच पर थे और उसके बाद में जो है ममता बनर्जी ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया, ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से बीजेपी की जो है वो राजनीति इसी तरह की रही है। बीजेपी की राजनीति जो है वो कथित राष्ट्रवाद की है, जहां पर वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं और जो बड़े बड़े नेता रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय नेता रहे हैं, उनको जो है वो हड़पने की राजनीति जो है वो बीजेपी की रही है। सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है वो उसकी राजनीति को हड़पने का काम किया और कांग्रेस से जो है वो किनारा करके सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपने खेमे में करने का काम जो है वो बीजेपी ने किया और अब उसी तरह का प्रयास जो है
है वो पश्चिम बंगाल में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर के हो रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर के बीजेपी जो है वो दावपेच खेल रही है, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है वो केवल उन्हीं के हो, पूरे राष्ट्र के ना हो। बोस की विरासत पर आमने सामने बीजेपी और टीएमसी, बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने बोस की 125वीं जयंती के मौके पर उनके अदम्य साहस और शौर्य को सम्मान देने के लिए 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया था। वहीं ममता ने इस फैसले की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि मैं पराक्रम दिवस का मतलब नहीं समझती हूं, हम लोग इस दिवस को देश नायक दिवस के रूप में मनाते हैं। ममता ने कहा था कि क्या आप जानते हैं हम लोग इस दिन को देश नायक दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर नेताजी को इसी नाम से बुलाते थे। नेताजी को भावनाओं के साथ समझना चाहिए। बहुत कम लोग ऐसे थे जिन्हें अपनी मातृभूमि से उतना ही प्रेम था जितना कि नेताजी को था। तो किस तरह से देखिए, नेताजी को लेकर के, सुभाष चंद्र बोस को लेकर के बीजेपी और टीएमसी जो है वो अपने आमने सामने है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि जय श्री राम का नारा क्या ऐसा नारा हो गया है जिसको लेकर के वाकई आपत्ति होनी चाहिए? तो इसका जवाब यह होना चाहिए कि जय श्री राम का नारा जो है वो आज के समय में धार्मिक नारा ना होकर के बल्कि एक तरह से उग्रवाद का नारा जो है वो बना दिया गया है। आप देखिए, हमारे सामने उदाहरण है कि किस तरह से अखलाक को मारने वाली भीड़ ने जय श्री राम के नारे लगाए। तो क्या जय श्री राम का नारा वो वहां पर धार्मिक रूप से लगाया जा रहा था? पहलू खान को मारने वाली भीड़ ने जय श्री राम के नारे लगाए, क्या वो धार्मिक नारा था? और तबरेज खान को मारने वाली भीड़ ने जय श्री राम के नारे लगाए, तो क्या वो धार्मिक नारा था? ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए। बिल्कुल, जय श्री राम का नारा जो है वो एक धार्मिक नारा है, पवित्र नारा है, मन को शांति सुकून देने वाला नारा है। लेकिन कब? जब हम आपस में भाईचारे में बैठ करके प्यार प्रेम से अगर ये नारा लें, कहीं किसी धार्मिक स्थल पर हम बैठ करके जो है इस नारे का उच्चारण करें तो अच्छा लगता है। लेकिन ऐसे कार्यक्रम में, राजनीतिक कार्यक्रम में या सरकारी कार्यक्रम में हम जय श्री राम का नाम लेकर के किसी दूसरे व्यक्ति को चिढ़ाने का काम करें, क्या प्रभु श्री राम इस बात से खुश होंगे? मुझे लगता है कि कतई नहीं होंगे। और आप देखिए कि ममता बनर्जी ने 2019 में भी, बीजेपी ने जब उनको जय श्री राम का नारा दे करके जो है वो टारगेट करने की कोशिश की थी, तब भी करारा पलटवार किया था और अपनी गाड़ी से उतर करके ममता बनर्जी ने बीजेपी के गुंडों को, जो उस वक्त उनको घेरने का काम कर रहे थे, उनको जो है किस तरह से करारा जवाब दिया था 2019 के लोकसभा चुनाव की, ये वीडियो भी आप देखिए। ठीक है। नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत जब हुई थी, जब संसद में सांसद शपथ ले रहे थे, तभी से जय श्री राम के नाम लेकर के जो है वहां पर शपथ ली गई और लोगों को चिढ़ाने का काम किया। ओवैसी जैसे नेताओं को, दूसरे नेताओं को, अखिलेश यादव के जैसे नेताओं को भी जो है वो जय श्री राम का नारा लगा करके चिढ़ाने का कोशिश किया गया। लेकिन आप सोचिए कि उसी संसद के अंदर और हमारे संविधान लिखने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनकी आत्मा कितनी रोई होंगी ये दृश्य देख करके। और आज जो ये दृश्य हो रहे हैं, इनको देख करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की आत्मा जो है वो कितनी रो रही होंगी कि जिस भारत को जो है बाबा साहब साइंटिफिक रास्ते पर आगे बढ़ाना चाहते थे, उस भारत को ये लोग कहां धकेल रहे हैं, ये वाकई अपने आप में शर्मनाक है। लेकिन जिस तरह से बंगाल के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे लगता है कि जय श्री राम के नाम पर वहां पर अभी और भी बहुत कुछ देखा जाना बाकी है। बहरहाल, जिस तरह से ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी के सामने भाषण देने से इनकार कर दिया, बहिष्कार कर दिया इसको लेकर के, और जय श्री राम के नारे पर उन्होंने जो आपत्ति दर्ज कराई है इसको लेकर के, आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।